गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इवेंट हैंडलिंग इन जावा। प्रीवियस वीडियोज़ में हम एप्लेट्स और ग्राफिक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं जावा में। उसके बाद में हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें जितने भी कंपोनेंट्स जो काम में आते हैं हमारे एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने के लिए जावा में, फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए बटन्स है, लेबल्स है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब उनका यूज कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एक इवेंट क्या होती है? इवेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं घटना, घटना क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में जब परिवर्तन होता है, चेंज होता है, उसको हम घटना बोलते हैं। इसका मतलब कोई इवेंट क्या डिस्क्राइब करेगी? चेंज इन स्टेट ऑफ सोर्स। किसी सोर्स है, कोई स्रोत है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्टेट में, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं हम इवेंट। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल है वो टेबल पर रखा हुआ है, तो जब तक वो रखा हुआ है कोई इवेंट नहीं है, लेकिन आपने उठा के उसको दूसरी जगह रख दिया, वो एक इवेंट हो गई। ठीक है, कुछ भी हो सकती है इवेंट, जब किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको इवेंट बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर में क्या इवेंट होगी? आपने माउस से कंप्यूटर में किसी बटन पर क्लिक किया, कीबोर्ड से कुछ कीज को प्रेस किया, तो वो सब क्या इवेंट्स हैं? कुछ ना कुछ चेंज हुआ ना। आपने अगर कंप्यूटर ऑन करके छोड़ दिया तो उसमें कोई इवेंट नहीं हो रहा है, वो चल रहा है ऑटोमेटिकली, और आप कुछ भी नहीं करोगे तो वो स्लीप मोड में चला जाएगा। लेकिन आप माउस से क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से कुछ कीज प्रेस कर रहे हैं, कुछ स्कैन कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो वो सब क्या है? इवेंट्स हैं। तो एक तो इवेंट्स होती है कि यूजर द्वारा की जा रही है जो मैंने बताई, एक होती है ऑटोमेटिकली अपने आप कुछ नहीं कर रहे फिर भी कंप्यूटर के अंदर कुछ इवेंट्स हो रही है, वो प्रोसेसर है वो अपने आप इवेंट्स कर रहा है। जैसे एक आपका, आप कुछ नहीं कर रहे लेकिन आपका मेल आया, लेकिन एक पॉपअप खुल जाएगा मेल आते ही, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आता है तो वो एक नोटिफिकेशन उसमें खुल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली भी इवेंट्स हो रही है। तो दोनों तरह की इवेंट्स होती है। अब इवेंट जनरेट कैसे होती है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हुए यूजर द्वारा जब कुछ इंटरेक्शन किया जाता है जीयूआई के साथ में, तो इवेंट जनरेट होती है। किसी बटन पर आप क्लिक करोगे, सबमिट पर किया तो सबमिट हो जाएगा, रीसेट पर करोगे तो रीसेट, बैक पर करोगे तो बैक हो जाएगा। तो यूजर है वो जीयूआई को यूज करते हुए इवेंट्स जनरेट करता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे इवेंट जनरेट होती है। जैसे एक बटन पर क्लिक करना, माउस को उसके ऊपर ले जाना, ठीक है, क्लिक करना अलग इवेंट है, माउस को ऊपर ले जाना। अगर ऊपर हम ऐसे ही उसको घुमा रहे हैं, माउस को क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो भी कुछ ना कुछ इवेंट जनरेट होती है। आपने देखा होगा कई बार बटन का उस पर, जैसे इवेंट उस पर माउस का कर्सर लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो क्या होवर इवेंट होती है माउस की। माउस वहाँ पर हम क्लिक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऊपर से उसको घुमा रहे हैं ऊपर से, वो होवर इवेंट होती है। जैसे एक हेलीकॉप्टर, अब वो होवर करता है तो वो
ऊपर से अगर आसमान से उसकी फोटो लेंगे तो वो लगेगा कि जमीन को टच कर रहा है ऐसा दिखेगा, लेकिन वो टच नहीं कर रहा, वो होवर कर रहा है ऊपर। तो इसी तरह माउस को हम अगर बिना क्लिक किए ऐसे ही स्क्रीन पर घुमाते हैं तो वो होवर इवेंट होती है माउस की, उससे भी इवेंट्स जनरेट होती हैं। कीबोर्ड के माध्यम से कोई कैरेक्टर है वो एंटर करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं, कोई लिस्ट बॉक्स है उसके अंदर कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, या पेज को हम माउस के स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करते हैं, तो ये सब इवेंट्स जनरेट करते हैं। अब इवेंट्स हैं उसके प्रकार। इवेंट्स को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहली है फोरग्राउंड इवेंट। फोरग्राउंड इवेंट में ऐसी इवेंट्स होती है उसमें यूजर का डायरेक्ट इंटरेक्शन जरूरी होता है। जैसे अभी तक अपन ने जो एग्जांपल देखे माउस कीबोर्ड से, वो सारी क्या है, फोरग्राउंड इवेंट्स है, क्योंकि ये जनरेट होगी जब कोई यूजर है, कोई पर्सन है, वो इंटरेक्ट करेगा ग्राफिकल कंपोनेंट्स के साथ में, जैसे कि बटन को क्लिक करना, माउस को मूव करना, कैरेक्टर एंटर करना कीबोर्ड से, आइटम सेलेक्ट करना लिस्ट बॉक्स से, स्क्रॉल करना, ये सारे फोरग्राउंड इवेंट्स के एग्जांपल हैं। दूसरा होता है बैकग्राउंड इवेंट्स। बैकग्राउंड इवेंट्स में ऐसी इवेंट्स होती हैं जिसमें यूजर का इंटरेक्शन करना ज़रूरी नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली जनरेट होती है कंप्यूटर से, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरप्ट हो सकते हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर फेलियर हो सकता है, टाइम एक्सपायर होना या ऑपरेशन कंप्लीट होना, ये एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे आपने कॉपी पेस्ट है वो स्टार्ट कर दिया, तो वो 1 मिनट 2 मिनट जितना भी टाइम लेगा, तो उसके बाद में जब कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ इवेंट जनरेट होगी कंप्यूटर में चलते हुए। जैसा कि मैंने बताया कि कोई मैसेज आ गया, या खुद ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कुछ इंटरप्ट आ गया, सिस्टम फेलियर हो गया, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं वो बैकग्राउंड इवेंट्स के एग्जाम्पल हैं। तो दो तरह की हमारे पास इवेंट्स हो गई, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड में डायरेक्टली जो यूजर है कंप्यूटर का वो इन्वॉल्व होता है, और बैकग्राउंड के अंदर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा जनरेट होती है इवेंट्स। अब इवेंट तो हमारी समझ में आ गया कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, किसी सोर्स की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो वो इवेंट हो गया। बटन है उस पर क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से कैरेक्टर एंटर कर दिया, तो ये इवेंट हो गया। अब इस इवेंट को हैंडल कैसे करेंगे, तो इवेंट को हैंडल करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाई गई है जो डिसाइड करती है कि ये इवेंट जनरेट हो गई है, अब इससे आगे क्या करना है, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या डिसाइड करेंगे, इसके परिणाम स्वरूप क्या रिजल्ट आएगा, उसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। माउस से आपने एक बटन पर क्लिक तो कर दिया, सबमिट बटन पर। अब सबमिट बटन पर क्लिक करते ही वो इन्फॉर्मेशन सबमिट होगी, बैक बटन पर करने पर बैक हो जाएगा, फॉरवर्ड पर फॉरवर्ड, रीसेट पर रीसेट हो जाएगा। तो उस बटन पर कुछ ना कुछ हमें प्रोग्रामिंग करनी होगी, ऐसे नहीं कि ऐसे बटन बना दिया, क्योंकि बटन तो एक ही टाइप के हैं सब। कैंसिल करना है तो वो भी एक बटन है, सबमिट करना है वो भी बटन है, रीसेट करना है वो भी एक बटन है, लेकिन प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी ना। आपके देखिए जो इलेक्ट्रिक स्विच होता है उसके अंदर हमने स्विच लगा रखे अलग अलग, तो एक स्विच है वो लाइट का है, एक फैन का है, एक कंप्यूटर का होगा, एक दूसरे डिवाइस का होगा, ठीक है तो सब स्विच एक जैसे देखने में, लेकिन उनकी वायरिंग है वो कहाँ से हमने कनेक्ट की है। अगर फैन की वायरिंग हमने फैन से की है तो फैन ऑन हो जाएगा, अगर किसी बटन की वायरिंग लाइट से की है तो लाइट से ऑन हो जाएगा, तो वो क्या। वैसे ही हमें कंप्यूटर में क्या है, प्रोग्रामिंग तो करनी पड़ेगी ना, कि एक बटन है उसके वायर कहाँ से जोड़ने हैं हमें, ठीक है। वायर का मतलब कौन से मेथड है, कौन से फंक्शंस हैं वो उससे अटैच करने हैं, ताकि वो पर्टिकुलर काम हमें उस कंप्यूटर से करवाया जाए, तो वो होती है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। आपने मान लीजिए कमरे के अंदर स्विच बोर्ड है, वो इलेक्ट्रिशियन ने लगा दिया, लेकिन उसकी वायरिंग अभी नहीं की है, कनेक्शन नहीं किया है फैन से लाइट से,
तो आप सारे बटन दबा के देख लीजिए, न तो फैन ऑन होगा न लाइट ऑन होगी, तो कनेक्शन करने तो ज़रूरी है। तो वो क्या होगी, इवेंट हैंडलिंग में आएगा। पंखा ऑन किया, पंखा चालू हो गया, बटन को ऑफ किया, ऑफ हो गया। तो वैसे आप क्या करोगे, म्यूजिक प्लेयर के अंदर प्ले का बटन ऑन करोगे, म्यूजिक प्ले हो जाएगा। पॉज का बटन ऑन करोगे, पॉज हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म होती है उसके अंदर एक कोड हम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इवेंट हैंडलर। और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब वो पर्टिकुलर इवेंट है वो अकर होगी, जब वो घटित होगी कोई घटना। तो जावा के अंदर इवेंट्स को हैंडल करने के लिए डेलीगेशन इवेंट मॉडल है हमारे पास। तो इसमें होता क्या है, ये मॉडल डिफाइन करता है स्टैंडर्ड मैकेनिज्म टू जनरेट एंड हैंडल द इवेंट्स। इवेंट को जनरेट करना, उनको हैंडल करना, ये इसमें डिफाइन किया जाता है। तो इसको हम संक्षिप्त में समझते हैं। अब डेलीगेशन इवेंट मॉडल है वो कैसे काम करता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ की पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ प्रमुख प्रतिभागी होंगे जो कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा इसके अंदर। सबसे पहले होता है सोर्स। सोर्स क्या होता है, स्रोत होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर घटना घटित होती है, ठीक है ना। जैसे सबमिट बटन है, कैंसिल बटन है, रेडियो बॉक्स है, चेक बॉक्स है, तो ये सब क्या है, सोर्स हैं जिस पर घटना घटित होगी। तो ऐसे ही हमने स्विच बोर्ड लगा रखा है कमरे में, तो वो जो बटन्स हैं सारे वो क्या है, सोर्स हैं सब। क्योंकि पंखा चलाना तो हम पंखे के हाथ थोड़े लगाएंगे, हम तो स्विच को ही प्रेस करेंगे, तो वो सब सोर्स हो गए। सोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द अकर्ड इवेंट टू इट्स हैंडलर। तो सोर्स है वही रेस्पॉन्सिबल होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी इवेंट हैंडलर को। इवेंट हैंडलर उसको वो जानकारी देता है कि देखिए मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो आपको इसको क्या करना है, हैंडल करना है, ठीक है। अब आगे की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। तो वैसे ही क्या होगा, बटन को प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू करंट जाएगा फैन में, और फैन को सिग्नल मिलेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, अब फैन अपना वो काम करेगा। और अगर वहीं आपने लाइट ऑन करने का प्रेस किया है या एसी ऑन करने का किया है, तो एसी, तो जो सोर्स है वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा उसके पास, हैंडलर के पास में, कि मेरे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। अब जो हैंडलर है वो अपने तरीके से उसको इवेंट को हैंडल करेगा, और वो हैंडलर है वो अलग अलग काम के लिए हमने अलग अलग तरह के हैंडलर डिजाइन किए जिनसे अलग अलग तरह का काम किया जा सकता है। तो जावा हमें प्रोवाइड करता है क्लासेज फॉर सोर्स ऑब्जेक्ट्स। जो सोर्स ऑब्जेक्ट है उनकी क्लासेज हमें जावा प्रोवाइड करता है। पहले आप जावा जावा को छोड़ दीजिए, जो भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उनमें दो चीज़ें काम में लेते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट समझ लीजिए एक बार, क्या होता है ये। क्लास का मतलब हिंदी में वर्ग, और ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु। अब वर्ग और वस्तु में क्या डिफरेंस है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा। देखिए वर्ग का मतलब क्या हो गया, एनिमल, प्राणी। तो एनिमल क्या है, एक वर्ग है, एक क्लास है। फिर उसके अंदर एनिमल के अंदर और आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ह्यूमंस हो गया, ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पेट्स हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फिर उनके अंदर भी आप कैट हो गया, डॉग हो गया, कुत्ता बिल्ली, ये वो सब हो सकते हैं। तो कैट भी अपने आप में क्या है, एक वर्ग है, क्लास है। ह्यूमन भी ये क्या है, क्लास है। लेकिन जब पर्टिकुलर कि ये वाली कैट जिसका नाम है, या ये वाला डोगी जिसका टॉमी नाम है, तो वो क्या हो गया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हो गया। अब ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, क्लास है।
लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर कि राम है, श्याम है, सुरेश है, तो वो क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में ये डिफरेंस है। और आप समझना चाहो तो कि कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, टेबलेट है, तो ये सारी क्या क्लासेज हो गई। अब कंप्यूटर के अंदर पर्टिकुलरली आप बोलोगे कि डेल का कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और डेल का पर्टिकुलर कि ये मेरे को दिख रहा है, ये वाला है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, ये दिखने में इसकी डिज़ाइन ऐसी है, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्लास क्या होती है? क्लास वर्चुअल होती है, हमें दिखती नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि आपने इंसान को देखा है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इंसान क्या है? क्लास है। लेकिन मैं बोलूँगा राम को देखा है तो हाँ, क्योंकि राम के हाथ हैं, पैर हैं, आँखें हैं, तो वो दिखता है। तो क्लास है वो वर्चुअल होती है, और ऑब्जेक्ट होता है वो फिजिकल होता है, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके फीचर्स होते हैं। लिसनर इज ऑल्सो नोन एज इवेंट हैंडलर, ठीक है, तो हम लिसनर यहाँ पर काम में लेंगे। तो लिसनर ही क्या होता है? इवेंट हैंडलर होता है। लिसनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग रेस्पॉन्स टू एन इवेंट, और लिसनर ही रेस्पॉन्सिबल है कोई रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम इसमें की पार्टिसिपेंट्स देख रहे थे इवेंट मॉडल में, तो इसमें पहला एक तो सोर्स हो गया जिस पर घटना घटित होगी, उसके बाद में सोर्स है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा किसी पास, इवेंट हैंडलर के पास। इवेंट हैंडलर कौन होता है? लिसनर होता है। तो लिसनर डिसाइड करता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या दी जाएगी जो घटना घटित हुई है उसकी। तो मेनली दो चीज़ें होती है, सोर्स होता है और लिसनर होता है। और जावा में इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से हम देखें तो लिसनर भी अपने आप में क्या एक ऑब्जेक्ट ही होता है। तो लिसनर वेट करता है जब तक कि कोई इवेंट उसके पास रिसीव नहीं हो जाए। जब तक कोई इवेंट रिसीव नहीं होगी, वो रिसीवर है, कुछ भी काम नहीं करेगा। जब तक आप बटन प्रेस नहीं करोगे, आपका फ़ैन ऑन नहीं होगा, चाहे लाइट आपकी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। तो ऐसे ही लिसनर होता है, वो वेट करता रहता है, जब उसके पास सिग्नल आते हैं कि ये इवेंट, ये घटना घटित हुई है, तो वो लिसनर फिर कुछ रेस्पॉन्स है वो जनरेट करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है दोनों को अलग अलग रखने का? हमने बटन के साथ ही अटैच क्यों नहीं किया उसका रेस्पॉन्स? दोनों को अलग अलग क्यों रखा? क्योंकि दोनों, जैसे मैंने शुरू में बताया, कंपोनेंट्स क्या है? इंडिपेंडेंट है सब, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ये तो फीचर होता है। तो बेनिफिट इस अप्रोच का यही है कि यूजर इंटरफेस है वो कंप्लीटली सेपरेट है, जो इवेंट जनरेट करता है। द यूजर इंटरफेस एलिमेंट इज एबल टू डेलीगेट द प्रोसेसिंग ऑफ एन इवेंट टू द सेपरेट पीस ऑफ कोड। तो जो यूजर इंटरफेस है वो इस बात में सक्षम है कि जो इंफॉर्मेशन सेंड की जा रही है वो सेपरेट पीस ऑफ कोड्स में भेज सकता है। इस मॉडल के अंदर लिसनर है, उसको खुद को रजिस्टर करना जरूरी है सोर्स ऑब्जेक्ट के साथ में, सो दैट लिसनर कैन रिसीव दी इवेंट नोटिफिकेशन। ये जैसा कि मैंने बताया कि आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक बोर्ड भी लगवा लिया और फैन भी लगवा लिया। अब जब तक आप फैन का कनेक्शन नहीं करोगे आप इलेक्ट्रिक किसी पर्टिकुलर स्विच से, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो उसको खुद को रजिस्टर करना जरूरी है लिसनर को। दिस इज एन एफिशियंट वे ऑफ हैंडलिंग द इवेंट बिकॉज द इवेंट नोटिफिकेशन आर सेंट ओनली टू दैट लिसनर दैट वॉन्ट्स टू रिसीव देम। तो यही एक एफिशियंट तरीका है जिससे कि उसी लिसनर के पास में इवेंट नोटिफिकेशन जाए जो कि उसको लिसन करना चाहता है, जिसको हमने पर्टिकुलरली उसी काम के लिए डिजाइन किया है। आप एसी का बटन ऑन करोगे तो एसी ही ऑन होगी, क्योंकि हमने एसी की वायरिंग उस पर्टिकुलर बटन के साथ में की है। तो वैसे पर्टिकुलर किसी भी इवेंट लिसनर को आप रजिस्टर करोगे किसी इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ में, इवेंट सोर्स के साथ में, तो वही लिसन करेगा। इवेंट हैंडलिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम समझते हैं। जो पहला स्टेप है वो है कि यूजर क्लिक्स द बटन एंड द इवेंट इज जनरेटेड। यूजर है, उपयोगकर्ता है, वो बटन को क्लिक करेगा और घटना है, जो इवेंट है वो जनरेट होगी। ये पहली, सबसे पहली स्टेप यही होती है।
उसके बाद में दूसरी स्टेप है, नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न्ड इवेंट क्लास इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोर्स एंड द इवेंट गेट पॉपुलेटेड विद द विथ इन द सेम ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने किसी सोर्स पर किसी बटन पर क्लिक किया तो इवेंट क्लास है पर्टिकुलर, कौन सी इवेंट, माउस क्लिक हुई है, कीबोर्ड से कुछ एंटर हुआ है, किस टाइप की इवेंट जनरेट हुई है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ही उस सोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी और उस ऑब्जेक्ट को हम सेंड करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे जो रजिस्टर्ड हमारा लिसनर है उसके पास में। और लिसनर के पास में इन्फॉर्मेशन जाती है, लिसनर है वो अपना काम करेगा और मेथड्स जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होंगे और रेस्पॉन्स है वो रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, तो ये चार स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होगी बटन पर क्लिक करना, दूसरी होगी जिस ऑब्जेक्ट, जिस तरह की घटना घटित हुई है, आप क्लिक किया है या कीबोर्ड से कुछ एंट्री की है, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड किया जाएगा पर्टिकुलर लिसनर के पास में जो कि उस सोर्स के साथ में रजिस्टर किया हुआ था, और फिर जो लिसनर है वो इवेंट को हैंडल करेगा और रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। अब जो लिसनर है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद रखनी होती है, एक तो लिसनर को डिजाइन करने के लिए हमें कुछ लिसनर इंटरफेसेज हैं उनको डेवलप करना होता है। ठीक है, इंटरफेस भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटरफेस क्या होता है, एक क्लास ही होती है लेकिन ये होती है प्योरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका कि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब इसके अंदर सारे फंक्शन सब वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया है, उनकी डेफिनेशन नहीं लिखी है। तो जब डेफिनेशन ही नहीं है तो उसका अगर ऑब्जेक्ट भी बना देंगे तो क्या काम करेगा, कुछ नहीं, इसलिए इसका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी चाइल्ड क्लास बनाएंगे, जिस क्लास में इंप्लीमेंट करते हैं इंटरफेस को उसकी चाइल्ड क्लास बन जाती है और चाइल्ड क्लास के अंदर उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे और चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से हम उन मेथड्स को एग्जीक्यूट करेंगे। दीज लिसनर इंटरफेसेज फोरकास्ट सम पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कॉलबैक मेथड्स विच मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाय द लिसनर क्लास। तो ये जो लिसनर इंटरफेसेज हैं वो फोरकास्ट करते हैं सम पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कॉलबैक मेथड्स, जैसे मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं इंटरफेस में, पब्लिक तो होगा ही क्योंकि कोई भी दूसरा जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है वो उनको काम में ले रहा है, इसलिए तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और वो फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करने का मतलब सिर्फ उनके अंदर सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ा हुआ है, काम क्या करना है वो नीचे डिफाइन हम करेंगे, वो एक नाम से है कि ये वाला काम करना है इससे, और जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा लिसनर क्लास के द्वारा। इफ़ यू डू नॉट इम्प्लीमेंट द एनी ऑफ द प्री डिफाइंड इंटरफेस देन योर क्लास कैन नॉट एक्ट एज ए लिसनर क्लास फॉर ए सोर्स ऑब्जेक्ट। अगर हम ये जो पहले से जो मेथड्स हैं इम्प्लीमेंट जो उसमें डिक्लेयर किए हुए हैं इंटरफेस के अंदर, उनको अगर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे क्लास के अंदर तो हम एज ए लिसनर काम नहीं कर पाएंगे किसी सोर्स ऑब्जेक्ट के लिए। कॉल बैक मेथड्स कौन से होते हैं, दीज आर द मेथड्स दैट आर प्रोवाइडेड बाई दी API प्रोवाइडर। API होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एंड आर डिफाइंड बाई दी एप्लीकेशन प्रोग्रामर एंड इन्वोक्ड बाई दी एप्लीकेशन डेवलपर। तो देखिए प्रोवाइड किसके द्वारा किए जाएंगे, API प्रोवाइडर के द्वारा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। फिर डिफाइन किसके द्वारा किए जाएंगे, एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो डेवलप कर रहा है उसके द्वारा डिफाइन किए जाएंगे। उनको इन्वो कौन करेगा, काम में कौन लेगा, जो डेवलपर है वो काम में लेगा। हियर आर द कॉलबैक मेथड्स रिप्रेजेंट एन इवेंट मेथड इन रेस्पॉन्स टू एन इवेंट, जावा JRE विल फायर कॉलबैक मेथड। तो एक इवेंट जनरेट होगी उसके रेस्पॉन्स में JRE है वो फायर करेगा कॉलबैक मेथड को। JRE होता है यहाँ पर जावा रन टाइम एनवायरमेंट, तो इसका काम होता है जावा के जो प्रोग्राम्स हैं
उनको रन होने के लिए, उनको कंपाइल और रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है इसके द्वारा। ऑल सच कॉलबैक मेथड्स आर प्रोवाइडेड इन लिसनर इंटरफेसेज। तो ये जितने भी कॉलबैक मेथड्स हैं वो लिसनर इंटरफेसेज हैं, उनके अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यदि कोई कंपोनेंट है वो चाहता है कि कोई लिसनर है वो लिसन करे उसकी इवेंट्स को, तो सोर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा पर्टिकुलर लिसनर के साथ में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप चाहते हो कि ये वाला पर्टिकुलर सबसे राइट में जो मैंने बटन लगाया है, जो स्विच लगाया इलेक्ट्रिक स्विच, उसको प्रेस करने पर मेरी लाइट ऑन होनी चाहिए। तो आपको जो सबसे राइट वाला स्विच है उसका कनेक्शन उस लाइट से करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों का आपस में कनेक्शन करना ज़रूरी है, रजिस्टर करना ज़रूरी है। इवेंट क्लासेज रिप्रेजेंट दी इवेंट, इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास। इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास होती है वो रूट क्लास होती है फ्रॉम विच ऑल इवेंट स्टेट ऑब्जेक्ट्स सेल बी डिराइव्ड। इससे जितने भी जो इवेंट स्टेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिराइव होते हैं। तो इवेंट ऑब्जेक्ट ये क्या होती है? क्लास। अब इसमें देखिए क्लास की पहचान कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट होता है हर एक वर्ड का वो कैपिटल होता है, इवेंट में ई कैपिटल है, फिर ऑब्जेक्ट में ओ है। वहीं पर हमने देखा पैकेज है उसमें सारे जो लेटर्स है वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, वो पैकेज होता है। तो जैसे क्लास का है वही रूल रहेगा सेम इंटरफेस के लिए, क्योंकि इंटरफेस भी क्या है, क्लास ही अपने आप में। ऑल इवेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड विद अ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट, द सोर्स दैट इज लॉजिकली डीम्ड टू बी द ऑब्जेक्ट अपॉन विच द इवेंट इन विच क्वेश्चन इनिशियली अकर्ड अपॉन। तो जितने भी इवेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्ट की जाएगी एक ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करते हुए, सोर्स जो लॉजिकली जिस पर इवेंट जनरेट होगी, और ये जो क्लास है इवेंट ऑब्जेक्ट हमने देखी है ये डिफाइन की जाती है जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। देखिए अभी यहाँ देखिए मैंने बताया पैकेज के अंदर जावा है वो सब स्मॉल लेटर्स में, यूटिल है वो भी स्मॉल लेटर में, यूटिल है वो यूटिलिटी है उसका शॉर्ट फॉर्म यूटिल। तो जावा डॉट यूटिल इस पैकेज के अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट हमारी जो क्लास है वो इसमें डिफाइन की जाती है। अब AWT इवेंट क्लासेस कौन कौन सी है, तो कुछ क्लासेस की हमारे पास लिस्ट है जो कि कॉमनली यूज की जाती है एज ए इवेंट क्लासेज। AWT इवेंट, AWT इवेंट इट इज़ द रूट इवेंट क्लास फॉर ऑल AWT इवेंट्स। ये रूट इवेंट क्लास होती है, रूट का मतलब सबकी पेरेंट क्लास होती है, उसके बाद में जो भी क्लासेज है उसकी चाइल्ड क्लासेज होगी। दिस क्लास एंड इट्स सब क्लास सुपरसीड द ओरिजिनल जावा डॉट AWT डॉट इवेंट क्लास। एक्शन इवेंट इज जनरेटेड व्हेन बटन इज क्लिक्ड और द आइटम ऑफ ए लिस्ट इज डबल क्लिक्ड। तो एक्शन इवेंट है वो जनरेट होगा जब कोई बटन है उस पर क्लिक किया जाएगा, या फिर कोई आइटम है लिस्ट के अंदर उस पर डबल क्लिक किया जाएगा। इनपुट इवेंट क्लास इज रूट इवेंट क्लास फॉर ऑल कंपोनेंट लेवल इनपुट इवेंट्स। तो जितने भी जो इनपुट कंपोनेंट्स हैं उसकी रूट क्लास होती है इनपुट इवेंट। की इवेंट होती है ऑन एंटरिंग द कैरेक्टर द की इवेंट इज जनरेटेड। जब कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर एंटर करते हैं तो की इवेंट जनरेट होती है। माउस इवेंट, दिस इवेंट इंडिकेट्स अ माउस एक्शन अकर्ड इन अ कंपोनेंट। जब किसी कंपोनेंट के अंदर माउस से एक्शन होता है तो माउस इवेंट जनरेट होती है। टेक्स्ट इवेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास रिप्रेजेंट द टेक्स्ट इवेंट। कोई टेक्स्ट इवेंट होगी तो टेक्स्ट इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। विंडो इवेंट, जब विंडो की स्टेट है उसमें चेंज होगा तो विंडो इवेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा।
विंडो की स्टेट कैसे चेंज होती है उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज करना। एडजस्टमेंट इवेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास रिप्रेजेंट द एडजस्टमेंट इवेंट इमिटेड बाय एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट्स। तो जो एडजस्टेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर कुछ एक्शन होता है तो एडजस्टमेंट इवेंट जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कंपोनेंट इवेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट ऑफ ए विंडो। कंटेनर इवेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट ऑफ ए विंडो। माउस मोशन इवेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास रिप्रेजेंट द चेंज इन स्टेट ऑफ विंडो। पेंट इवेंट, द इवेंट लिसनर रिप्रेजेंट द इंटरफेसेज रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल इवेंट्स। तो इवेंट लिसनर है वो रिप्रेजेंट करेगा उन इंटरफेसेज को जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी इवेंट को हैंडल करने के लिए। एवरी मेथड ऑफ एन इवेंट लिसनर मेथड हैज अ सिंगल आर्ग्यूमेंट एज एन ऑब्जेक्ट विच इज सब क्लास ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास। तो हर एक जो मेथड है हमारे पास इवेंट लिसनर, उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो सिंगल आर्ग्यूमेंट होता है और वो होता है एक ऑब्जेक्ट जो कि किसका होगा, एक सब क्लास का। सब क्लास किसकी होगी, इवेंट ऑब्जेक्ट का, क्योंकि हमने बताया इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास है वो रूट क्लास है। तो जितनी भी टाइप की जो इवेंट्स जनरेट हो रही है वो उसी की सब क्लासेज होगी। फॉर एग्जांपल, माउस इवेंट लिसनर मेथड विल एक्सेप्ट इंस्टेंस ऑफ माउस इवेंट। ठीक है, तो जो माउस इवेंट लिसनर का जो मेथड है वो एक्सेप्ट करेगा माउस इवेंट को, वो जो कैरेक्टर एंटर कर रहे हैं वो वाला जो एक्शन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो माउस के लिए डिजाइन किया गया है। वेयर माउस इवेंट डिराइव फ्रॉम इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट लिसनर इंटरफेस, इट इज़ अ मार्कर इंटरफेस विच एवरी लिसनर इंटरफेस हैज़ टू एक्सटेंड। दिस क्लास इज डिफाइंड इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। AWT इवेंट लिसनर इंटरफेसेज, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज इवेंट लिसनर्स। अब इवेंट लिसनर्स कौन 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 से होते हैं। एक्शन लिसनर, एक्शन लिसनर जो इंटरफेस है उसको हम काम में लेते हैं एक्शन इवेंट्स को रिसीव करने के लिए। कंपोनेंट लिसनर, कंपोनेंट लिसनर जो इंटरफेस है उसको हम काम में लेते हैं कंपोनेंट इवेंट्स को लिसन करने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो जितने टाइप के हमारे पास इवेंट्स होगी उतने टाइप्स के हमारे पास लिसनर्स होंगे, सीधे सी बात है। आइटम लिसनर, इसको हम काम में लेंगे आइटम इवेंट्स को रिसीव करने के लिए। कीज लिसनर, की इवेंट्स को, तो जितने टाइप की इवेंट्स उतने टाइप के लिसनर। माउस लिसनर, दिस इंटरफेस इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द माउस इवेंट। टेक्स्ट लिसनर, ये रिसीव करेगा टेक्स्ट इवेंट्स को। विंडो लिसनर, विंडो इवेंट्स को रिसीव करेगा। एडजस्टमेंट लिसनर, ये एडजस्टमेंट इवेंट है उसको रिसीव करेगा। कंटेनर लिसनर, ये कंटेनर इवेंट्स को लिसन करेगा। माउस मोशन लिसनर, ये माउस मोशन से जो इवेंट्स जनरेट होगी उनको रिसीव करेगा। फोकस लिसनर, ये जो फोकस इवेंट होगी उसको रिसीव करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम प्रैक्टिकली प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी कैसे मेथड्स हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम इस चैनल पर रेगुलरली वीडियोज अपलोड करते रहेंगे और अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन में भी आप घर पर बैठे बैठे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है या कोई आपके सुझाव है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। थैंक यू।